इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर पंजाब से है, जहां कांग्रेस खेमे में अब भी टेंशन हाई है। क्या सिद्धू और कैप्टन के बीच की दीवार आलाकमान अभी तक सुलझा नहीं पाया है, ये दीवार गिरा नहीं पाया है? जो खबरें आ रही हैं उससे तो कम से कम यही संकेत आते हैं। बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को सभी सांसदों और विधायकों को लंच पर बुलाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कैप्टन की ओर से अभी तक सिद्धू को कोई न्योता नहीं भेजा गया है। आज भी कैप्टन अपने कुछ करीबी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, यानी यह साफ है कि कैप्टन ने सिद्धू के ताजपोशी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, अब खाने पर बुलाना, सभी को न्योता दे देना और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ही अभी तक न्योता ना देना, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। देखिए, ये लंच डिप्लोमेसी मीनाक्षी पहले भी की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ दिल्ली में थे, प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, उसी दिन उन्होंने लंच पे तमाम विधायकों को बुलाया था। और अब खबर ये आ रही है कि 21 जुलाई को पार्टी के जो राज्य के सांसद हैं और तमाम विधायकों को लंच पर बुलाया गया है, लेकिन प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जो एमएलए भी हैं राज्य में, उनको न्योता नहीं दिया गया है। अभी तक अगर आप देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किस तरह का कोई बधाई संदेश भी नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं दिया गया है। सिद्धू ने भी कुछ ट्वीट किए हैं जिसमें तमाम लोगों को धन्यवाद किया है, लेकिन उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र कहीं नहीं किया है। तो भले ही कांग्रेस आला कमान ने लिस्ट जारी कर दी हो जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बना दिए गए हों, लेकिन लगता है कि भीतर भीतर जो है अभी भी तलवारें दोनों खेमों के बीच में खींची हुई है। और शायद यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक शो ऑफ स्ट्रेंथ अब कर रहे हैं इस लंच के जरिए, जहां पर वो अपने खेमे के तमाम एमएलए और एमपी को लंच पर बुलाएंगे। तो लंच बिल्कुल विजय लक्ष्मी, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कैप्टन के तेवर बरकरार हैं तो दूसरी ओर सिद्धू भी अड़े हुए हैं, ये बात नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट से जाहिर हो गई है। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है, एक के बाद एक तीन ट्वीट किए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया, कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब को बढ़ाने का वादा किया, लेकिन कहीं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र नहीं किया। साफ है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच की तनातनी और ये दरार आलाकमान अभी तक ठीक नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन ने भी उन्हें बधाई नहीं दी। सिद्धू ने आज जो ट्वीट किए हैं उनमें उन्होंने क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने पहला ट्वीट किया, जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने के लिए पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर काम करूंगा। पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे के जरिए लोगों को उनकी ताकत वापस देने के लिए विनम्र कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बढ़ूंगा। मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आज उसी सपने के लिए आगे काम करना है और पंजाब में कांग्रेस के अजय किले को मजबूत करना है। मुझ पर विश्वास करने और मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आभारी हूं। सिद्धू ने दिल्ली दरबार में जो बैटिंग की वो मैच उन्होंने पंजाब में जाकर जीता। इससे कैप्टन के विरोधी और सिद्धू के समर्थक नेता खुश हैं। पंजाब सरकार के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। अब हमने आगे पंजाब की प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है, पंजाब के मसलों को हल करना है, उसके लिए जो पीछे बातें हो गई हैं वो खत्म। अभी पार्टी डिसाइड हुई है, पार्टी में दलित को, हिंदू को, बैकवर्ड क्लास को, जट्टों को, हर किसी को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। पंजाब के लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारा भी कोई लीडरशिप में है, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो दुकानदार बैठा जो हिंदू है। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, कुछ नेता जो हैं इस बात का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम नेता जो कैप्टन के समर्थन के कहे जाते हैं, क्या उन्होंने भी इसी तरीके का रिएक्शन दिया है? हाईकमान का फैसला उन्हें मंजूर है?
देखिए, अगर हम कैप्टन खेमे के लीडर हैं उनकी बात करें, विधायक या मिनिस्टर उनकी बात करें, उनकी तरफ से फिलहाल अभी कोई रिएक्शन जो है वो नहीं आया। ये तमाम वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले सुखजिंदर रंधावा के घर जब शाम को बैठक हुई थी वो वहाँ पर मौजूद थे। इसमें से कुछ एक नए चेहरे जो है वो नए जरूर है, एक दो जैसे लखवीर जो है वो विधायक हैं, और दूसरा गुरकीरत कोटली जो कि रविंद्र बिट्टू के भाई हैं वो यहाँ पर जरूर पहुँचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। उसके अलावा मदन लाल जलालपुर हैं, वो भी सिद्धू के साथ आज दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो पटियाला से ही बिलोंग करते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं सेंधबाजी तो सिद्धू भी कर रहे हैं, लेकिन जो आज उन्होंने ट्वीट किया उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहीं जिक्र नहीं है। और वहीं जब आज हमने सुबह जो सिद्धू के खासम खास माने जाते हैं सुखजिंदर रंधावा कैबिनेट मंत्री भी, उनसे पूछा कि क्या सिद्धू जो है कैप्टन साहब ने अब तक विधाई नहीं दी है, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि कैप्टन साहब बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी बड़े हैं, तो सिद्धू खुद उनके घर जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वो कब जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो जाहिर तौर पर देखिए सिद्धू अब उनके घर जाएं या ना जाएं, लेकिन ट्वीट में तो समर्थन जता ही सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा कैप्टन अमरिंदर का, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया पुनीत पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।